हेलो दोस्तों, आज हमारे पास कंप्यूटर का ये ऑनलाइन यूपीएस है जो कंप्यूटर के लिए होता है। ये 2 बैटरी का है, 24 वोल्ट का। तो ये क्या है कि ये बैकअप नहीं दे रहा है, तो हम इसको रिपेयर करने की बैटरी को कोशिश करेंगे। तो हमने क्या है, सबसे पहले बैटरी को खोल लेना है। ये बैटरियों को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो इन्हें बाहर निकाल लेने के बाद ये यहाँ इसका ये ढक्कन लगा हुआ होता है। किसी भी नोकदार चीज़ से जो है हमें इसका ढक्कन खोल लेना है। और इसको खोल लेने के बाद इसके अंदर ये जगह आ जाती है पानी की, पानी डालने वाली। तो हमें इनको भी बाहर निकाल लेना है सबको। ये यहाँ से जो बंद लगे हुए हैं इसके ढक्कन, इनको निकाल लेने के बाद हमने क्या है कि ये मीठा सोडा लेना है और पानी लेना है। आरओ का या फिल्टर का पानी होना चाहिए और सिरिंज होनी चाहिए। इसके अंदर ध्यान रखें कि कभी भी नमक का पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो जितना भी ये बैकअप दे रही है वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको हम मीठे सोडे को पानी के अंदर मिलाएंगे और फिर सिरिंज से जो है इसके जो जितने भी ये ढक्कन हैं हमारे, ये जो हमने खोले हैं, इसके अंदर ये पानी डालेंगे हम मीठे सोडे वाला। और ये बैटरी क्या है कि ज़्यादातर वैसे सेक्सीज नहीं होती, नई बैटरी लगानी होती है हमेशा। लेकिन अगर यूपीएस रखा हुआ हो, बैटरी इस्तेमाल हुई भी ना हो, जब भी इनका बैकअप आ सकता है। तो इनको मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है। अब ये पैरेलल में लगाई है मैंने, तकरीबन 5-6 घंटे चार्ज करने के बाद हटा करके हम फिर इसको लगा करके देखते हैं कि हमारा बैकअप सही आता है या नहीं। हमने बैटरियों को वापस यूपीएस में लगा दिया है, हमने ये चार्ज कर ली। अब मैं इसको चला करके देखता हूँ कि बैकअप हमारा बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो इसको यूपीएस को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इस पे लोड चला करके देखता हूँ। ये मैंने 300 वाट लोड इस पे डाल दिया है और अब देखते हैं कि ये कितनी देर चलती है। तो ये जो है बैटरी जो है हमारी लो हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का भी बैकअप हमारा पूरा नहीं मिला। तो देखें दोस्तों, ये जो बैटरी है हमारी रिपेयर नहीं होती 7 AH की। तो लोग क्या है, यूट्यूब पे उल्लू बनाते हैं कि बैटरी सही हो गई, बैटरी सही हो गई। ये नई बैटरी आई है, इसके अंदर अब हम लगाएंगे। तो नई बैटरी हम इस